पामिस्ट्री के फील में हथेली में बनने वाले छोटे से छोटे चिन्ह का भी अत्यधिक महत्व होता है। अपनी स्थिति के कारण प्रत्येक चिन्ह मानव जीवन को अपने शुभ अथवा अशुभ प्रभाव से अवश्य प्रभावित करता है। कभी कभी ये प्रभाव क्षणिक और कभी कभी जीवन भर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। ऐसे ही कुछ विशिष्ट चिन्हों में से है तिल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तिलों की स्थिति जातक के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को प्रदर्शित करती है। तिल मानव शरीर में लगभग एड़ी से चोटी तक जगह जगह पाए जाते हैं और उस अंग विशेष पर तिल की उपस्थिति अपनी विशिष्टता बयां करती है। शरीर के अन्य अंगों के मुकाबले हथेली पर तिलों का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और इसकी विभिन्न क्षेत्रों अथवा रेखाओं पर उपस्थिति मानव जीवन को काफी प्रभावित करती है। सो आइए देखते हैं किस प्रकार हथेली में तिल की उपस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है और कैसे कैसे योगों का निर्माण करती है। प्रथम नंबर से शुरू करते हैं। यदि हथेली में गुरु पर्वत पर तिल उपस्थित हो तो पाश योग का निर्माण होता है। इस योग वाले मनुष्य अपने मित्रों के बीच काफी प्रसिद्ध होते हैं और जीवन में उच्च पद प्राप्त करते हैं और धनी होते हैं। दूसरे नंबर पर यदि हथेली में शनि व सूर्य पर्वत के बीच में तिल आ जाए तो दामिनी योग का निर्माण होता है। ऐसे योग वाले व्यक्ति उच्च आदर्शों से युक्त होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और जरूरतमंदों के मददगार होते हैं। तीसरे नंबर पर यदि गुरु पर्वत की ओर कोई खड़ी रेखा जाए और इसके लेफ्ट साइड पर गुरु पर्वत पर लाल अथवा काला तिल हो तो ये कारक योग का निर्माण करता है। इस योग वाले व्यक्ति एक सुखी जीवन व्यतीत करते हैं और व्यापार के क्षेत्र में काफी उन्नति करते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी आर्थिक रूप से तंगी का सामना नहीं करते। चौथे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अब यदि बुध पर अथवा इसके लेफ्ट साइड यानी हथेली के बाहर की तरफ काला तिल हो तो यह शारदा योग कहलाता है। ऐसे योग से युक्त मनुष्य जीवन में हमेशा प्रगति करते हैं और इनके जीवन में अनेक चिर परिचित व संबंधी होते हैं। ये लोग ईश्वर के सच्चे उपासक होते हैं तथा शिक्षित, चतुर व धार्मिक विचारों वाले होते हैं। पांचवें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। यदि हथेली में सूर्य क्षेत्र पर सूर्य रेखा उपस्थित हो और रेखा के दाहिनी यानी राइट साइड की तरफ काला तिल हो तो समुद्र योग का निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति काफी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। ये लोग धार्मिक कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति चिंता रहित होते हैं और हमेशा ही प्रसन्नचित्त वाले होते हैं और एक राजा के जैसा जीवन जीते हैं। छठे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। यदि हथेली में दो या तीन तिल हो और मुट्ठी बंद करने पर ये सभी मुट्ठी के भीतर समा जाए तो ये योग कूट योग कहलाता है। ऐसे योग से युक्त व्यक्ति काफी बहादुर होते हैं और जीवन में आने वाली किसी भी बाधा से डरने की बजाय उसका डटकर मुकाबला करते हैं और प्रत्येक बाधा को पार करते हुए जीवन में हमेशा ही प्रगति प्राप्त करते हैं। सातवें नंबर की तरफ चलते हैं। अब यदि हथेली में सूर्य, बुध और गुरु पर्वत पर लाल अथवा काला तिल हो अथवा इन क्षेत्रों को जाने वाली इन रेखाओं पर ये तिल हो तो दिग्बल योग का निर्माण होता है। ऐसे योग वाले व्यक्ति जीवन में बहुत ही प्रगति करते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं और अपने कार्यों के लिए समाज में सम्मान में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं आठवें नंबर की तरफ। यदि हथेली में अंगूठे के प्रथम पर्व पर काला तिल उपस्थित हो तो ईशु योग का निर्माण होता है। इस योग से युक्त व्यक्ति एक कामयाब गजेटेड ऑफिसर होता है। ऐसे व्यक्ति मुख्यतः जेल अधिकारी अथवा पुलिस अधिकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सभी उद्देश्यों की पूर्ति कर पाने में सक्षम होते हैं। बढ़ते हैं नवे पायदान की तरफ। अब यदि हथेली में गुरु पर्वत के नीचे तथा शुक्र पर्वत के ऊपर उपस्थित मंगल क्षेत्र पर दो या दो से अधिक काले तिल हो तो जय योग का निर्माण होता है। ऐसे योग वाले व्यक्ति शक्तिशाली वे भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में विजय हासिल करते हैं और ऐसे व्यक्ति काबिल, गुणी, धैर्यवान तथा दीर्घायु कहे गए हैं। दसवें नंबर की तरफ चलते हैं। यदि हथेली में मणिबंध वलय के ऊपर काले रंग का तिल हो तो विद्युत योग का निर्माण होता है। इस योग से युक्त मनुष्य एक राजा के जैसे जीवन जीता है। ऐसे व्यक्ति धन धान्य से भरपूर होते हैं तथा हमेशा ही प्रसन्न चित्त रहने वाले होते हैं।
सो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपने देखा और जाना कि हथेली में ये छोटे से छोटे तिल कैसे मानव जीवन में बड़े बड़े फेरबदल करने की क्षमता रखते हैं।